It's a nice sunny day. आप देख सकते हो clear sky, clear clouds, and we are here to drive this. But this is not the car, is it? This is the car. हम आए हैं बैंगलोर में चलाने के लिए the 10th generation Honda Civic, and it looks stunning. Absolutely beautiful looking car, isn't it? ये गाड़ी 10th generation Honda Civic इंडिया में लॉन्च होने वाली है next month, and it is going to rival the likes of the Toyota Corolla Altis, the Skoda Octavia, and the Hyundai Elantra. And compared to all of those cars, this is a striking design. ये जो कूपे लाइक इसकी डिज़ाइन है काफ़ी ब्रिलियंट दिखती है, काफ़ी अच्छी दिखती है, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को ये पसंद आएगी. दिस इज़ बाय फार द स्पोर्टिएस्ट लुकिंग कार इन दिस सेगमेंट. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सटीरियर फीचर्स ऑफ द होंडा सिविक कार. सबसे पहले पूरी तरीके से इसका सिलुएट देखते हैं. जस्ट लुक एट इट. इसकी रूफ लाइन देखिए कितनी अलग है कंपेयर टू अदर कार्स इन इट्स सेगमेंट. अब तक Hyundai की Elantra जो है वो इस सेगमेंट में सबसे स्पोर्टी दिखने वाली गाड़ी थी, बट नाउ द सिविक इज़ जस्ट बीटिंग इट हैंड्स डाउन. Corolla Altis जो है वो सबसे बोरिंग दिखने वाली गाड़ी है, एंड दी Skoda Octavia is the most classiest looking sedan that money can buy in this segment. ये देखिए कितनी शार्प एंड एजी इस गाड़ी की स्टाइलिंग है. And if I wanted to buy a D segment sedan, this would surely come home because I think this looks fantastic. अब चलिए देखते हैं क्या है इस गाड़ी के फीचर्स. Let's फ्रंट प्रोफाइल से जब आप गाड़ी को देखते हो, जस्ट लुक एट दी बॉनेट. बॉनेट इज़ वेरी नाइस, काफ़ी अच्छे से स्कल्प्ट की गई है. जस्ट लुक एट दी एजेस, दोनों ही एंड्स पे कैसे नाइस मस्कुलर एज है, यहाँ पे कैसे बोल्डली इसको बनाया गया है. और सेंटर एरिया में भी ये एक थोड़ी क्रीज लाइन दी गई है. द बॉनेट शट लाइन इज़ लाइक दिस. और इसके नीचे आपको मिलता है एक वेरी चंकी क्रोम ग्रिल. थोड़ा फ्लैट फिनिश है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये फ्लैटिश है जहाँ पे इसका होंडा का लोगो लगता है. एंड दिस क्रोम गार्निश एक्चुअली एक्सटेंड्स अंटिल द टॉप ऑफ द हेडलैम्प क्लस्टर. तो क्रोम जो है काफ़ी जेनरस अमाउंट में यूज़ किया गया है. एंड आफ्टर दैट यू कैन नोटिस कि यहाँ पे ये प्लास्टिक दिया गया है. दिस इज़ ब्लैक फाइबर प्लास्टिक. तो इस तरीके से दिखता है इसका ग्रिल और इसका फ्रंट एंड कम्प्लीटली अगर आप दूर से देखोगे तो ये ब्लैक एलिमेंट की वजह से काफ़ी अच्छी और स्पोर्टी अपील आती है. बिकॉज द ब्लैक यू नो जस्ट हाईलाइट द क्रोम मच मोर प्रोमिनेंटली. उसके बाद आप नोटिस कर सकते हो इस गाड़ी में आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं. ये देखिए इस तरीके से इसके हेडलैम्प दिखाई देते हैं. एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप, एंड देन यू ऑल्सो हैव एलईडी फ्रंट फॉग लैम्प्स. इसके ऊपर भी आपको क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं. एंड देयर इज़ अ लिटिल एरो डक्ट ओवर हियर टू अलाउ फॉर बेटर कूलिंग. तो यहाँ से भी आपके इंजन में ठंडी हवा अंदर ली जाएगी, एंड इट विल कीप द इंजन रनिंग कूलर. यहाँ पे भी आप देख सकते हो देयर इज़ अ लिटिल डक्ट ओवर हियर, बट ये कितना फंक्शनल है हमें नहीं पता. इसके बाद बम्पर को आप लोअर एंड पे जब आप देखते हो तो यहाँ पे भी देखिए काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग की गई है. दिस एरिया ओवर हियर एज यू कैन नोटिस इज़ वेरी नाइस टू लुक एट. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन द लॉन्ग रन विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड ग्राउंड क्लियरेंस ये देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिख रहा है एट द मोमेंट एटलीस्ट. तो अगर आप इंडियन रोड कंडीशंस में जब आप गाड़ी चलाते हो तो ये स्क्रैप इजीली नहीं होने वाला है. ये देखिए कैमरा कितने आसानी से नीचे से मैं ट्विस्ट कर पा रहा हूँ, एंड इट इज़ नॉट इवन टचिंग एनीवेयर ऑन द बम्पर एंड इवन ऑन द ग्राउंड. तो ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल इज़ वेरी स्ट्राइकिंग एंड इट लुक्स फैंटास्टिक. अगर आप इस सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ नेक्स्ट टू ईच अदर प्लेस करोगे, आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को नई होंडा सिविक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी. साइड प्रोफाइल पे जब आप आते हो तो सबसे पहले एक कूल थिंग आप नोटिस करोगे, वो है ये साइड मार्कर लैम्प. ये देखिए यहाँ पे एक ऑरेंज बल्ब दिया गया है, बट दिस इज़ नॉट ए टर्न इंडिकेटर. ये सिर्फ एक मार्कर लैम्प है, तो आपकी गाड़ी की लैटरल विजिबिलिटी जो है वो बेटर हो जाती है. अगर आप गाड़ी रात को चला रहे हो सो दिस इज़ गोइंग टू जस्ट हाईलाइट हाउ लॉन्ग द कार इज़, एंड इट इज़ गोइंग टू मेक योर फ्रंट एंड मोर विजिबल. ऑफकोर्स इसकी एलईडी हेडलैम्प साइड से विजिबल ऑलरेडी है ही. दैट इज़ जस्ट अ लिटिल मोर ऑफ अ स्टाइलिंग ट्रीटमेंट ओवर हियर ऑन दी होंडा सिविक. ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स हैं, 17 इंच अलॉय व्हील्स हैं. ये देखिए किस तरीके से इसका डिज़ाइन है. यहाँ पे थोड़ा किंक दिया गया है, सो इट मेक्स इट लुक अ लिटिल मोर स्पोर्टी, एंड इट लुक्स गुड इनफ डजंट इट. थोड़े लोगों को शायद एलॉय व्हील्स और स्नैजी पसंद आ जाते बिकॉज द होंडा सिविक ओवरऑल इज़ अ वेरी बोल्ड लुकिंग कार। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रीज लाइन्स ऑन द साइड प्रोफाइल, सबसे पहले देखिए ऑन द फ्रंट फेंडर के ऊपर काफ़ी क्रीज लाइन्स है। यू कैन नोटिस ए योर बॉनेट शट लाइन, देन यू कैन नोटिस अ टॉप क्रीज लाइन एंड देन यू हैव योर व्हील क्लैडिंग एरिया ऑल्सो। उसके बाद जब आप डोर्स की तरफ आते हो तो नीचे से आपको एक क्रीज लाइन दी गई है। देयर इज़ अ शोल्डर लाइन विच रन्स अलॉन्ग द डोर लेंथ जो अपने डोर हैंडल्स के साथ मैच होती है, एंड देन देयर इज़ योर कूपे लाइक रूफ लाइन। क्रोम की अगर बात करेंगे तो आपको विंडो सिल एरिया के टॉप सेक्शन पे ही आपको क्रोम दिया गया है। द लोअर एंड इज़ ब्लैक, आई रियली लाइक इट। क्रोम ओवरडोज मुझे पसंद नहीं है। क्रोम डोर हैंडल्स ज़रूर दिए गए हैं ऑन दी होंडा सिविक। देन यू कैन नोटिस देर आर टर्न इंडिकेटर्स माउंटेड ऑन योर रियरव्यू मिरर्स एंड देयर इज़ ऑल्सो अ कैमरा ओवर हियर इन दी न्यू होंडा सिविक। ये होंडा का नया फीचर है जो हमने CR-V में भी देखा था। दिस कम्स इन वेरी हैंडी जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो जब आप टर्न इंडिकेटर देते हो तो दिस विल शो यू अ डिस्प्ले ऑफ यू नो व्हाट इज़ नेक्स्ट टू योर कार। रिक्वेस्ट सेंसर पैसेंजर साइड डोर पे भी दिया है, तो ट्रू कीलेस एंट्री आपको इस तरफ से भी मिल जाती है। एंड टू शो यू अ टॉप व्यू ऑफ द सनरूफ, दिस इज हाउ बिग इट इज। सिंगल ग्लास सनरूफ है, ड्यूअल पेन सनरूफ नहीं दिया गया है, बट दिस इज मोर देन इनफ। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत थी इस सेगमेंट में। नाउ सिंस दिस हैज़ अ वेरी कूपे लाइक डिज़ाइन, ये देखिए इस तरीके से दिखता है इसका रेयर क्वार्टर ग्लास। एंड इफ आई गो फार, दिस इज़ द प्रोफाइल ऑफ द रेयर एंड of the new Honda Civic. This is the 10th generation car and it surely is a very good looking piece. मुझे ये काफ़ी पसंद आया। ये जो इसकी डिज़ाइन है, ये जो इसकी स्टाइलिंग है वो काफ़ी अच्छी दिखती है बिकॉज क्योंकि अगर आप यंग हो, इफ़ यू हैव से योर किड हु इज़ ऑल्सो गोइंग टू शेयर योर कार विथ यू, दिस स्टाइलिंग इज श्योरली गोइंग टू अट्रैक्ट दोज यंगस्टर्स, दोज यंग बायर्स, एंड ऑफकोर्स देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर एडल्ट्स एज वेल। इसके बाद अभी आते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे। जस्ट चेक आउट दिस सी शेप टेल लैम्प्स, दे लुक ब्रिलियंट। LED टेल लैम्प्स है, देखिए किस तरीके से डिटेल किया गया है इसको। साइडवेज से भी इसकी विजिबिलिटी काफ़ी डिसेंट है। टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प जो है वो कन्वेंशनल बल्ब है, सिर्फ टेल लैम्प जो है वो LED यूनिट है। यहाँ पे आपकी डीजल वेरिएंट ब्रांडिंग और यहाँ पे आपका सिविक बैज दिया गया है एंड ऑफ कोर्स यू हैव योर होंडा लोगो ओवर हियर। एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी, क्रोम ओवरडोज यहाँ पे नहीं है। होंडा ने नंबर प्लेट गार्निश क्रोम में नहीं दी है, बट यू हैव अ लिटिल क्रोम ओवर हियर ऑन द लोअर एंड ऑफ द बम्पर अलॉन्ग विद अ लिटिल ब्लैक एक्सेंट। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया है ऑन द रेयर बम्पर एंड ऑल्सो यू हैव अ ब्लैक एप्लीक ओवर हियर टू ब्रेक द मोनोटोनी एंड एड अ लिटिल स्पोर्टी टच। तो ओवरऑल द होंडा सिविक लुक्स गुड डजंट इट? डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड लुकिंग कार? क्या आपको ये पसंद आ रही है? रेयर व्हील्स भी मैं अभी आपको क्लोजअप दिखाने वाला हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नोटिस दैट दिस गेट्स ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। द होंडा सिविक कम्स विथ ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। एंड अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू इज़ दैट कि इस गाड़ी में आपको एक शार्क फिन एंटेना दिया गया है। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, इज़ दिस डिज़ाइन अपीलिंग टू यू? क्या आपको इस गाड़ी की ये डिज़ाइन पसंद आती है? येस, इट इज़ स्पोर्टी, इट इज़ आउट राइट इन योर फेस। इतनी स्मैशिंग इसकी डिज़ाइन है कि शायद थोड़े लोगों को ये पसंद ना आए, ये इतनी ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है। बट डू यू लाइक इट? आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू इन द कॉमेंट्स बिलो। क्या आपको ये पसंद आई? कैसे रेट करोगे आप इस गाड़ी को कंपेयर टू द ऑक्टेविया, कंपेयर टू द इलेंट्रा, कंपेयर टू द कोरोला ऑल्टिस? टिल नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गेयर्स चैनल। दिस इज मी परग चहया मालवनकर साइनिंग ऑफ। आई हैव विथ मी द ऑल न्यू होंडा सिविक। इसकी लॉन्च है नेक्स्ट मंथ एंड आई विल सी यू इन द कॉमेंट्स बिलो।